नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के थ्रू जो नए स्टेनोग्राफर भर्ती होंगे उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। यह जो सैलरी है ये इसमें दो इंक्रीमेंट लग चुके हैं तो इनमें इनकी सैलरी है 27,100 रुपये, लेकिन जो स्टार्टिंग में बेसिक होगी वो 25,500 होगी। बेसिक का 42% डीए होता है जो 10,710 रुपये, टीपीटी अलाउंस 3600 होता है प्लस उसमें डीए ऐड होता है इसलिए वो 5,112 रुपये होगी। इसमें एचआरए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है, लेकिन एचआरए आपकी बेसिक का 27% होता है जो कि 6,885 रुपये होगा। इस तरह से आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 48,207 रुपये। इसमें गवर्नमेंट की रिकवरीज भी हैं जैसे सीजी ईजीआईएस 30 रुपये, ये एमटी टायर वन लिखा हुआ, ये एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का पैसा है जो 3,849 रुपये जो आपकी सैलरी का 10% कटता है और 14% गवर्नमेंट आपको देती है जो कि आपके प्राण अकाउंट में जाता है। ये लाइसेंस फीस अगर आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन लेंगे तो 370 रुपये कटता है, अगर नहीं लेंगे तो नहीं कटता है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 250 रुपये जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। इस तरह से आपकी टोटल रिकवरीज हो जाएगी 4,129 रुपये, आपकी टोटल सैलरी है 48,207 रुपये। तो गवर्नमेंट रिकवरीज 48,207 में से घटाएंगे 4,129 तो आपकी नेट पे बनेगी 44,078 रुपये। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।